दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसी जदीद मशीनों के बारे में जो मवेशियों के फार्म में इनकी देखभाल और परवरिश में इनका बहुत बड़ा रोल है। ये मशीनें जानवरों के लिए वो तमाम काम करती हैं जो एक इंसान करता है। दोस्तों देखिए ये शानदार मशीनें। दोस्तों इसी तरह की अमेजिंग मशीनों की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो मशीन हंटर हॉबीज को सब्सक्राइब कर दें, 7 घंटे के बटन को दबाकर ऑल के ऑप्शन को जरूर क्लिक करना। नंबर 1 लैली डिस्कवरी रोबोटिक मशीन। दोस्तों ये मशीन गाय या भैंस के गोबर को साफ करने के लिए बनाई गई है। मवेशियों के बड़े बड़े फॉर्म में गोबर बहुत ज्यादा जमा हो जाती है जो इंसानों के लिए इसे साफ करना काफी मुश्किल काम है। गंदगी की वजह से अक्सर मवेशी भी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। इन तमाम परेशानियों से बचने के लिए इस्तेमाल की जाती है ये रोबोटिक क्लीनर मशीन। ये मशीन मवेशियों के फार्म में वक्तन-फवक्तन इस्तेमाल करके गोबर को साफ किया जाता है। इन मशीनों में लगे सेंसर मवेशियों से बगैर टकराए गंदगी को अपने अंदर खींच कर भर लेती है। ये मशीन बगैर ऑपरेटर के चलती है। मोबाइल ऐप में की गई सेटिंग के मुताबिक ऑटोमेटिक तरीके से सफाई का काम सर अंजाम देती है। मशीन में लगा टैंक जब गंदगी से फुल भर जाता है तो ये मशीन ऑटोमेटिक तरीके से नाले में जाकर टैंक को खाली भी करती है और फिर अपने काम में मगन हो जाती है। ये रोबोटिक मशीन 24 घंटे मुसलसल काम करने की सलाहियत रखती है। इस डिवाइस को खास तौर पर ठोस फर्श वाली जगहों के लिए डिजाइन किया गया है। नंबर 2 मिल्की रोबोट MRS-1। दोस्तों ये मशीन गाय का दूध निकालने के लिए फुली ऑटोमेटिक मशीन है। ये मशीन बगैर किसी आदमी के गाय का दूध बड़ी आसानी से निकाल सकती है। इस मशीन को फार्म में फिक्स किया जाता है। मशीन में गाय के लिए चारा डाला जाता है। जब गाय चारे को देखती है तो इसकी तरफ खींची चली आती है। जब गाय मशीन के इस हिस्से में दाखिल होती है तो ऑटोमेटिक मशीन का दरवाजा बंद हो जाता है। अब रोबोट का बाजू गाय की पिछली टांगों के दरमियान पहुंचता है और बड़े ही आराम से गाय के थनों को पकड़कर इनको धोकर दूध निकालता है। गाय का पूरा दूध निकालने के बाद ऑटोमेटिक तरीके से ये न्यूजल गाय के थनों से अलग हो जाते हैं। दूध निकालने का प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद अब दूसरी साइड से दरवाजा ऑटोमेटिक तरीके से खुल जाता है और गाय बाहर निकलकर आ जाती है। दोस्तों निकाला गया दूध बाजरिया पंप एक कंटेनर में जमा होता रहता है। ये दूध निकालने वाली मशीन मुख्तलिफ सेंसर से लैस है जो परफेक्ट तरीके से अपना काम करती है। ये मशीन गाय के निकाले गए दूध की पैमाइश भी कर लेती है जिससे किसान आसानी से चेक कर सकता है कि दूध कितनी मिकदार में है। ये मशीन दूध जांचने के बारे में तमाम आदादो शुमार डेटाबेस में भी महफूज रखती है और दूध के मियार की मुस्तकिल निगरानी भी करती है। नंबर 3 ट्रियोमेटिक T30। ट्रियोमेटिक T30 एक या एक से ज़्यादा फीड बंकरों के साथ एक खुदकार तरीके से खाना खिलाने का निज़ाम है जो ऑटोमेटिक तरीके से मवेशियों को चारा डालने वाला
एक रोबोट है। ये रोबोट ऑटोमेटिक तरीके से 700 गाय को खाना खिलाने की सलाहियत रखता है। ये रोबोट बिजली के ट्रैक पर चलता है, किसी भी सतह पर ज्यादा से ज्यादा ट्रैक्शन कर सकता है। इस मशीन में आगे की तरफ एक रोटेटिंग ब्लेड लगा होता है जो चारे को उठाकर इसे क्रश करता है। अब इस चारे को कन्वेयर बेल्ट के जरिए पीछे लगी ट्राली में भेज देता है। ये मशीन एक्यूरेट लोडिंग भी करती है। अब चारे को मिक्स करके मवेशियों के खाने के लिए एक अच्छा चारा तैयार किया जाता है। दोस्तों, ये मशीन हर किस्म के चारे को मिक्स करने की सलाहियत रखती है। अब यही मशीन इन मवेशियों के आगे चारा भी डालती है। नंबर 4, होफ ट्रिमिंग। दोस्तों, मवेशियों के पांव के नीचे वाले हिस्से को खुर कहते हैं। मवेशी ज्यादातर गोबर वाली जगहों पर चलते फिरते और गंदी जगह उठते बैठते हैं, जिसकी वजह से ये मवेशी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। खुर को साफ करने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये मशीन ऑटोमेटिक है, इसमें तमाम फीचर बहुत ही आसान होते हैं और इसको आम किसान भी बड़ी आसानी से ऑपरेट कर सकता है। गाय के खुर को साफ करने के लिए सबसे पहले गाय को मशीन के अंदर डालकर इसे मुकम्मल तौर पर फंसा दिया जाता है। जब गाय मशीन में फिट हो जाती है तो इसके बाद गाय के चारों पांव को लॉक कर दिया जाता है। अब गाय को ऊपर उठाकर गाय के खुर को साफ करने का काम किया जाता है। खुर साफ करने के साथ इनके पांव के नीचे वाले हिस्से की ट्रीटमेंट भी की जाती है। दोस्तों, इस प्रोसेस के दौरान गाय को जरा भर भी तकलीफ नहीं होती। खुर साफ करने के बाद अब गाय को इस मशीन से बाहर निकाल लिया जाता है। नंबर 5, ELHO रूटर कटर 1800। दोस्तों, किसानों के लिए ये रूटर कटर मशीन बहुत ही कमाल की है। रूटर कटर साइलेज गांठों के इस्तेमाल को मुअस्सर बनाता है। ये मशीन जानवरों के लिए चारा बनाने के साथ साथ इनके आगे चारा भी डालने का काम करती है। ELHO रूटर कटर खास तौर पर कटे हुए भूसे और चारे की गांठों के लिए डिजाइन किया गया है। इस मशीन की बोकट में एक रोटेटिंग ब्लेड लगा होता है जो चारे को काटता और मिक्स करता है। इसको एक ट्रैक्टर के जरिए आसानी से अटैच करके जानवरों को चारा खिलाया जाता है। मशीन में आगे लगे पाइप के जरिए चारा इन मवेशियों के आगे गिराया जाता है और मवेशी इस चारे को आसानी से खा सकते हैं। इस मशीन के बहुत से इस्तेमाल हैं। काम करने के मुख्तलिफ आलात और ज़रूरियात के लिए इजाफी सामान की काफ़ी मकदार दस्तियाब है। ये मशीन चारा और तिनके दाएं और बाएं दोनों तरफ फैला सकती है। इसकी मजबूत लोडिंग काम को आसान और तेज़तर बना देती है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही ज़बरदस्त मशीनों की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखिए बहुत सारा ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त।